नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो पुत्रदा एकादशी जो कि इस बार साल की पहली एकादशी है और संतान प्राप्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम एकादशी मानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी का काफ़ी महत्व होता है और कुछ लोग इसमें व्रत रखते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं। व्रत और उपवास दोनों में बहुत फर्क होता है, लेकिन जो एकादशी का उपवास रखते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनका लोग सेवन करते हैं और जिनका सेवन नहीं करते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है उसके बारे में कि किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उपवास, क्योंकि जो लोग उपवास करते हैं वो एक समय अन्न नहीं खाते हैं, लेकिन अन्न के अलावा वो कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जिनको सेवन उनको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या जो एकादशी का व्रत होता है उसमें मूंगफली का सेवन किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी चीज़ों का निषेध करते हैं, काफ़ी चीज़ें वर्जित होती है, काफ़ी चीज़ें वर्जित नहीं होती है, लेकिन आज हम बताएंगे कि मूंगफली का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जो एकादशी का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उसमें एक समय अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और इसमें काफ़ी चीज़ें जिनको कि व्रत के भोजन में शामिल नहीं किया जाता है। तो मूंगफली है तो मूंगफली में आप भुनी हुई जो मूंगफली होती है उसका सेवन कर सकते हैं, वह सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। भुनी हुई मूंगफली को ही श्रेष्ठ माना गया है। जो सादा मूंगफली के बजाय अगर आपको भुनी हुई मूंगफली मिल जाए तो वह सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। इसीलिए जो एकादशी का व्रत होता है उसके अंदर मूंगफली का सेवन है वो भी भुनी हुई मूंगफली का सेवन किया जाता है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।